क्या आपको पता है भारत की सबसे पहली स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी तमिलनाडु राज्य के करूर दिंडीगुल जिले में स्थापित की जा रही है। इस सेंचुरी के लिए लगभग 11,806 हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर किया जाएगा। सरकार ने इस कदवुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 26A(1)(b) के अंतर्गत नोटिफाई किया है। स्लेंडर लॉरिस यह जीव श्रीलंका और भारत का नेटिव माना जाता है। इनकी दो प्रजातियां देखी जाती हैं, रेड स्लेंडर लॉरिस जो कि श्रीलंका में मिलती है और ग्रे स्लेंडर लॉरिस जो भारत और श्रीलंका में मिलती है। इनका हैबिटेट ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, स्वैम्पी एरियाज में देखा जाता है और ज़्यादातर ये पेड़ों पर ही निवास करते हैं और जनरली इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, प्लांट शूट्स वगैरह जो है वो खाते हैं। IUCN के हिसाब से रेड स्लेंडर लॉरिस जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और ग्रे स्लेंडर लॉरिस जो है वो नियर थ्रेटनिंग स्पीशीज़ है। और भी नॉलेज के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।